नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 15 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर तक कौन सा फसल लगाए जिससे जो उत्पादन भी ज़्यादा मिले, रेट भी अच्छा मिले और दोस्तों कमाई भी अच्छा हो। तो दोस्तों आप लोग के लिए जो है हम 5 ऐसे फसल लेकर आए हैं जिनको लगाकर आप लोग जो है लाखों रुपया कमा सकते हैं। तो दोस्तों पहला नंबर में है फूलगोभी, जो कि सफ़ेद गोभी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों इन यह लगाने के समय जो है बहुत अच्छा है। इस समय आप लोग नर्सरी डालते हैं तो लगभग जो है 10-15 नवंबर तक में जो है रेडी हो जाता है, आप लोग लगा सकते हैं, ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग एक बात समझ में आ रहा होगा कि वैरायटी कौन सा लगाना है। तो दोस्तों आप लोग जैसे कि क्लास कंपनी का मारतुरी हो गया, दोस्तों नोकिजा सीड का वाइट टॉप हो गया, सुपर वाइट टॉप हो गया, और दोस्तों इसी तरह जैसे कि श्रीजंदा कंपनी का टेट्रिस हो गया, और दोस्तों इसी तरह एडवांटा का 1400 DB जो है वो लगा सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग इनमें से कोई भी वैरायटी लगा सकते हैं। अगर दोस्तों आप लोग को वैरायटी सिलेक्शन करना है तो दोस्तों आई बटन पर हम लिंक दे रहे हैं, आप लोग वहां जाकर वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों आप लोग जो वह वीडियो भी देख सकते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं पत्ता गोभी के बारे में। दोस्तों पत्ता गोभी में जैसे कि BC90 हो गया, BC76 हो गया, जो कि श्रीजंदा कंपनी का आता है। दोस्तों कुछ वैरायटी जैसे सेमनीस कंपनी का आता है, सकाटा कंपनी का आता है, आप लोग जो है अच्छा से अच्छा किस्म जो है लगाकर एक बार उत्पादन ले सकते हैं। दोस्तों अगर आप लोग का एरिया में जो जिस प्रकार का हेड जो बनता है, यानी कि साइज जो बिकता है, उस प्रकार का पत्ता गोभी लगाना चाहिए। दोस्तों आप लोग के लिए जो फिर भी हम लगभग 4-5 वैरायटी जो है स्क्रीन में डाल दे रहे हैं, आप लोग इनमें से कोई भी वैरायटी लगा सकते हैं। दोस्तों इसी प्रकार का है, इसी प्रकार से अगर बात किया जाए तो वो है बैंगन। दोस्तों जो कि भाटा बैंगन भी बोला जाता है, जो कि गोल साइज में आता है, दोस्तों उसका मार्केट डिमांड जो है बहुत अच्छा रहता है। तो दोस्तों इस प्रकार का अगर आप लगाना चाहते हैं तो दोस्तों इस प्रकार में हम लगभग 5-6 वैरायटी जो है वीडियो आगे ही पहले ही वीडियो बनाकर डाल दिए हैं, आप लोग वह वीडियो भी जाकर देख सकते हैं, लिंक में है, आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर वह वीडियो भी देख सकते हैं। दोस्तों अगर बात किया जाए कौन कौन सा वैरायटी उसमें बताया गया है, तो दोस्तों उसमें BNR का 212 नंबर बताया गया है, और दोस्तों इसी प्रकार का धरती सीट का जुम्बा बैंगन बताया गया है, और दोस्तों नो जो कि क्लॉस कंपनी का आता है, जनक के बारे में बताया गया है। दोस्तों सेंग्रो सीट का नवकिरण आता है गोल साइज में, उसके बारे में बताया गया है। आप लोग इन 5 वैरायटी में से भी कोई वैरायटी लगा सकते हैं। दोस्तों इसी प्रकार से बात किया जाए मिर्च में कौन सा वैरायटी लगाए, तो दोस्तों आप लोग एरिया में किस प्रकार का मिर्च चलता है, तीखी मिर्च चलता है या अचारी मिर्च चलता है या मोटा साइज में मिर्च चलता है। दोस्तों अगर मोटा साइज में चलता है तो आप लोग जो है बुलेट, जो कि रॉयल बुलेट, बुलेट का नाम से आता है, वह सब वैरायटी लगा सकते हैं। अगर दोस्तों पतला में और तीखे मिर्चाई में मिर्च में लगाना चाहते हैं तो दोस्तों जैसे कि ईगल हो गया हाईबेज का, और दोस्तों कोई और बहुत से कंपनी का जो है बहुत वैरायटी आता है, हम आप लोग को स्क्रीन में डाल दे रहे हैं, आप लोग इनमें से कोई वैरायटी लगा सकते हैं। दोस्तों इसी प्रकार से अगर बात किया जाए टमाटर, दोस्तों टमाटर में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन लेने के लिए अच्छा किस्म होना ज़रूरी है। दोस्तों अगर टमाटर अच्छा से अच्छा किस्म लगाते हैं तो दोस्तों आप लोग को उत्पादन ज़्यादा मिलता है और लंबे समय तक उत्पादन मिलता है। तो दोस्तों इस समय हम अगर बात किया जाए कौन कौन सा वैरायटी लगाया जा सकता है, तो दोस्तों पहला नंबर में जो है वो है साहू, जो कि देसी लुक में आता है। दोस्तों बहुत ज़्यादा उत्पादन देने में सक्षम वैरायटी है, और दोस्तों इसी के साथ साथ अगर आप लोग चाहते हैं नामदारी का लगाना, तो दोस्तों नामदारी सीड्स का जो है 592 नंबर में जो टमाटर आता है, बहुत अच्छा टमाटर है, देसी साइज में आता है और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन देता है, एक पौधा लगभग 15-20 किलो फल देता है। दोस्तों इसी तरह अगर बात किया जाए तो श्रीजंदा कंपनी का जो 1057 टमाटर है, दोस्तों इसका भी उपज उत्पादन बहुत अच्छा आता है। नहीं विश्वास होता है तो आप लोग हमारे यानी कि चैनल में जाकर आप लोग वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर इसी प्रकार से अगर बात किया जाए तो वो है 6242। दोस्तों 6242 भी बहुत तगड़ा रिजल्ट देता है, आप लोग एक बार लगाकर जरूर देखिए, इसमें उपज उत्पादन जो है बहुत अच्छा देता है और ज़्यादा दिन तक जो है उसको जो है एक्सपोर्ट कर भी सकते हैं। दोस्तों इसी प्रकार से बात किया जाए 5वां नंबर में, तो दोस्तों वह है करण टमाटर, जो कि चैताई सीड्स का आता है। आप लोग इन 5 वैरायटी में से कोई भी वैरायटी लगा सकते हैं। अगर आप लोग को किसी प्रकार का शंका है तो आप लोग कमेंट करिएगा, हम बेझिझक 100% उस पर रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों बताने वाले हैं जो कि टमाटर अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो दोस्तों आप लोग हमारा शॉर्ट वीडियो भी देख सकते हैं, लॉन्ग वीडियो भी देख सकते हैं, उसमें जो है हम अपना खेती का टमाटर जो है उसमें जो पूरा डिटेल में बात की है, वैरायटी भी बताए हैं, यानी कि टॉनिक भी बताए हैं, फल फूल कैसे लाएँ वह भी बताया है। तो दोस्तों आप लोग को हमारा जानकारी अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा और नए किसान भाइयों के साथ शेयर करिएगा। और दोस्तों किसी प्रकार का लगता है आप लोग को कोई
कुछ छूट गया है, जानकारी छूट गया है, तो दोस्तों आप लोग कमेंट करिएगा, हम उस पर रिप्लाई देंगे। धन्यवाद दोस्तों।